सो गाइस आप में से काफी सारे लोगों को तो पता होगा कि कैरी मिनाटी और एलवी यादव प्लेग्राउंड शो के अंदर एज एस जस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पर एलवी यादव और कैरी मिनाटी की बॉन्डिंग कितनी अच्छी दिखा रहे हैं शो वाले और दोनों एक दूसरे को फनी वे में रोस्ट भी करते रहते हैं। एंड गाइस यहाँ पर एलवी यादव के रिसेंट के इंटरव्यू में उनसे ये पूछा गया कि आपके और कैरी मिनाटी की बॉन्डिंग कैसे की है। सो वहाँ पर एलवी यादव ने फनी वे में कैरी मिनाटी को रोस्ट करते हुए उनके ऊपर क्या रिप्लाई किया आप लोग खुद देखिए। कैरी के साथ आपकी जोड़ी को बहुत पसंद किया जा रहा है, आपकी ऑफ स्क्रीन अगर मैं बात करूँ कैसी बॉन्डिंग हो रही है उनके साथ? कैरी इज लाइक माय लिटिल वाइफ, यहाँ तक आता है। नहीं वैसे यार अच्छा लड़का है भाई, कोई देखो ऑन कैमरा हो चाहे ऑफ कैमरा हो हम तो मजे लेते रहते हैं एक दूसरे के, ऐसी कोई किसी के मन में ये नहीं है कि ये ऐसा क्यों बोल गया या फिर बुरा लग गया किसी बात का, एवरीथिंग इज चिल एंड कूल, भाईचारा ऑन टॉप। सो बाकी गाइस यहाँ पर आप लोग एलवी यादव और कैरी मिनाटी के दोस्ती के बारे में क्या कहना चाहते हो अपने ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड ऑल्सो गाइस यहाँ पर हमारे पास एक और अपडेट है रैंडम सेना और अदनान 07 को लेकर। तो अदनान ने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम के ऊपर होली को लेकर कुछ स्टोरीज लगाई थी और इस स्टोरी को देखने के बाद रैंडम सेना काफी ज्यादा ऑफेंड हो जाती है कि इसे सिर्फ हमारे फेस्टिवल के ऊपर ही लोगों को ज्ञान देना होता है। और इस चीज के लिए रैंडम सेना उनकी स्टोरी के नीचे कमेंट कर उनकी वीडियो डिलीट करवाने के लिए नीचे कमेंट्स में रेड करने लगे, जहां पर रैंडम सेना की तरफ से 2 लाख से भी ज्यादा कमेंट्स किए गए। तो अभी यहाँ पर अदनान 07 का भी रैंडम सेना के ऊपर रिप्लाई आ चुका है एंड उन्होंने उनको रिप्लाई करते हुए क्या कहा आप लोग खुद देखिए। एक हिंदू क्रिएटर थी जिसका रील मैंने शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम फीड पे, जिसमें वो होली के लिए कोई कहीं गई थी यूपी में, तो उसके साथ में हैरेसमेंट हुआ और भी औरतों के साथ बहुत गलत सलूक किया जा रहा था। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम फीड पे जैसे मैं गलत के लिए आवाज़ उठाता हूँ मैंने शेयर किया वो वीडियो, और औरतों के प्राइवेट पार्ट्स पे पानी मारा जाता था, वो भी नाली का पानी, और बहुत बहुत फालतू चीज़ें हो रही थी जो देखने में ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसकी वजह से इन लोग स्पैम कर रहे हैं, ये जो आईडी है सो कॉल्ड रैंडम सेना नकली हिंदू, तो ये स्पैम करा रहे हैं गालियाँ दे रहे, इसको लग रहा है कि फ़र्क पड़ेगा उससे, इसके तरह लाखों बार हो चुका है और उससे मेरे को घंटा। तो बाकी गाइस यहाँ पर आप लोग रैंडम सेना और अदनान 07 के बारे में क्या कहना चाहोगे अपने अपने नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस अभी के लिए बस इतना अपडेट था, जल्दी लौटूंगा नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।